प्रसाद यादव के करीबी और बाहुबली नेता मुन्ना शुक्ला की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। जी हां, आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में वैशाली के उम्मीदवार रहे मुन्ना शुक्ला की मुश्किलें बढ़ गई है, क्योंकि कल एक खबर आई जिसमें ये पता चला कि मुन्ना शुक्ला और उनकी पत्नी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल किया गया है। मामला जमीन से जुड़ा हुआ था कि एक विवादित जमीन को कब्जा करने पहुंचे थे, जिसके खातिर उनके ऊपर चार्जशीट दाखिल किया गया है। तो वहीं अभी अभी बड़ी खबर आपको बता दें कि बिहार के वैशाली जिले में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक शव बरामद किया गया है। आपको बता दें कि यह शव बाहुबली नेता मुन्ना शुक्ला के बंगलों के पास से मिला है। जी हाँ, दरअसल यह शव बिहार के जाने माने बाहुबली मुन्ना शुक्ला के बंगला के पास से मिला है। इसकी सूचना मिलने के बाद पुलिस घटना की छानबीन में जुट गई है। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। घटना जिले के लालगंज की है। जानकारी के अनुसार मुन्ना शुक्ला के बंगला के बाहर झाड़ियों में स्थानीय व्यक्ति ने एक शव देखा, जिसके बाद लोगों ने डायल 112 की पुलिस और लालगंज थाना को सूचना दे दी। सूचना मिलते ही लालगंज थाने की पुलिस दल बल के साथ सूचना का सत्यापन करने पहुंची। इस दौरान झाड़ी में एक अज्ञात शव को पाया गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि एक विक्षिप्त व्यक्ति जो पिछले कई दिनों से मुन्ना शुक्ला के बंगला के बाहर झाड़ी के पास रहता था, कूड़ा कचरा आदि चुनने का काम करता था, सोमवार की सुबह में जब सफाई कर्मी बंगला के बाहर सड़क की सफाई करने पहुंचे तो उनकी नजर शव पर पड़ी। इसके बाद लोगों को सूचना दी गई। मुन्ना शुक्ला के बंगले के पास एक शव को देखा था, उसके बाद 112 नंबर पर डायल कर उन्होंने पुलिस को इसकी सूचना दे दी। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने शव को बरामद कर लिया है। गणेश ठाकुर स्थानीय शव की पहचान अभी तक नहीं हुई है। मौके पर मामले की जांच करने वाले लालगंज थाना के SI विपिन कुमार ने बताया है कि स्थानीय लोगों द्वारा पुलिस को सूचना दी गई थी मुन्ना शुक्ला के बंगले के पास झाड़ी में एक शव पड़ा हुआ है। पुलिस पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। स्थानीय लोगों द्वारा पुलिस को सूचना दे दी गई थी कि मुन्ना शुक्ला के बंगला के पास झाड़ी में एक शव पड़ा हुआ है। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पहचान अभी तक नहीं हो पाया है। प्रथम दृष्टि मामला भूख या किसी अन्य वजह से मौत हो सकती है। रिपोर्ट आने के बाद उस पर कार्रवाई की जाएगी। तो लालू प्रसाद यादव के करीबी और बाहुबली नेता मुन्ना शुक्ला के बंगले के पास से एक अज्ञात व्यक्ति का शव है। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आया है, पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है, उसके बाद पता चल पाएगा कि आखिर शव की मौत किस कारण हुई है। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे NBC 24 पर। अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर ले, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।